हरे कृष्णा। तो आज का हमारा विषय है जो सभी लोग पूछते हैं हमसे, इस्कॉन में जुड़ना है तो कितनी फीस लगेगी। यस, आपको बहुत अधिक फीस देनी पड़ेगी। एक बहुत बड़ा चार्ज आपको लगता है। इस्कॉन में जुड़ना कोई आसान काम नहीं है। आपको लाख रुपए फीस देनी पड़ेगी तब आप इस्कॉन में जुड़ सकते हो। तो आपने देखा ही होगा इस्कॉन में कितने अमीर अमीर लोग आते हैं। तभी तो आते हैं क्योंकि इतनी फीस दे पाते हैं। आपने देखा होगा गरीब लोग तो कोई है ही नहीं, ना मिडिल क्लास है। क्या आपने सच में ऐसा देखा है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एक र्यूमर है, ये एक अफवाह है, ये एक मन का वहम है कि इस्कॉन जाने के लिए बहुत अधिक पैसा लगता है। तो कई बार लोग पूछते रहते हैं कितना पैसा देना पड़ता है, कितना वो लगता है। आप यकीन मानिए, जितने भी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं इस्कॉन के, सब निशुल्क होते हैं। और अगर कहीं थोड़ा बहुत चार्ज भी है, वो इसके लिए कि जिससे कि आप आ सकें। 90% प्रोग्राम्स आप फ्री अटेंड कर सकते हैं। आप जाइए इस्कॉन मंदिर में, सुबह की आरती अटेंड कीजिए। सारे भक्त मिलके जप करते हैं, उसके बाद भागवतम क्लास होती है, उसके बाद प्रसाद होता है। टोटली फ्री है वो। लेकिन इतना र्यूमर फैलाते थे, कोई अच्छी चीज़ जब चलती है तो उसके पीछे इतनी अफवाह फैला दी जाती है। जो गलत काम कर रहा होता है उसके लिए अफवाह नहीं है, लेकिन जो अच्छा काम कर रहा होता है उसके लिए बहुत र्यूमर्स हैं। भगवद गीता की ट्रेनिंग, भागवतम पे ट्रेनिंग, किस तरह से जप किया जाए, ये है इस्कॉन की फीस। क्या अपना समय देने के लिए आप तैयार हैं? क्या अपना जीवन बदलने के लिए आप तैयार हैं? क्या अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप तैयार हैं? यदि आप कहते हैं हाँ, तो आप निशुल्क इस्कॉन से जुड़ सकते हैं विदाउट गिविंग एनी फीस। जो बाकी सेवाएं हैं, अगर आप सेवाओं में जुड़ना चाहेंगे तो वो आपकी स्वतंत्र इच्छा है कि आप कोई मंदिर के लिए सेवा करना चाहें। जब आप जुड़ जाएं, जब आपकी श्रद्धा जागृत हो जाए, जब आप ट्रेंड हो जाएं, फिर वो आपकी स्वतंत्र इच्छा होती है। आप जाते हैं इस्कॉन मंदिर में, आप देखिए क्या आपको रास्ते में कोई बोलता है कि इतने पैसे दोगे तो आप दर्शन कर सकोगे। हजारों बार आप दर्शन करने के लिए जाते हैं, हजारों बार आप फेस्टिवल में प्रसाद पाने जाते हैं। क्या किसी ने कभी कहा कि इस प्रसाद पाने के लिए आपको चार्ज लगेगा? यहाँ पे एंट्री पाने के लिए आपको चार्ज लगेगा? मोस्ट ऑफ द टाइम आप ऐसे ही जाते हैं। तो इस्कॉन में जुड़ने की फीस आपका कीमती समय है। जो कीमती समय हम भोग विलास में नष्ट कर रहे हैं, हमारे जीवन का एक एक पल, एक एक क्षण यूं ही बीता जा रहा है गलत कामों में, और फिर उनके रिजल्ट भी हमारे पास दुख कष्ट कलेश के रूप में आ रहे हैं, और हम समझ नहीं पा रहे हम किस रास्ते जाएं। हमने सब करके देख लिया, हमने पूरा एंजॉय करके देख लिया, लेकिन कहीं से हमको सुख और शांति प्राप्त नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि भगवान कह रहे हैं ये संसार दुखालयम अशाश्वतम है। भगवान भगवद्गीता में बता रहे हैं जो मुझ तक आता है, मेरे पास आता है, वो परमानेंट सुख और शांति प्राप्त करता है। भगवान कह रहे हैं हर चीज़ का भोक्ता मैं हूँ, मैं ही तुम्हारा मालिक हूँ। और अगर तुम मुझे इस रूप में जान जाओगे, तुम शांति को प्राप्त कर सकोगे, तुम सुख को प्राप्त कर सकोगे। तो ये हमारा एक सुनी सुनाई बातें होती हैं। हम व्हाट्सएप से देख लेते हैं, दूसरे लोग ऐसा बोलते हैं कि भाई इस्कॉन में तो बहुत फीस लगती है। कोई फीस नहीं लगती, हमने आज तक कोई फीस नहीं दी है इस्कॉन में जुड़ने के लिए। इस्कॉन चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन चल रहा है, इस्कॉन के माध्यम से उसको आगे बढ़ाया गया हमारे संस्थापक आचार्य शील प्रभुपाद के द्वारा, और उन्होंने इसको ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाया जिसमें कि हम भगवद गीता की क्लासेस अटेंड करते हैं, हम भागवतम पे क्लासेस अटेंड करते हैं, सारे भक्त मिलके जप करते हैं, अच्छा जप करने की प्रैक्टिस करते हैं। तो ये ही हम फीस चार्ज करते हैं कि आप कम से कम हफ्ते में एक बार अपना समय दें। हरे कृष्णा टीवी के इतने प्रोग्राम्स आते हैं तो वहाँ पे भी आपको कोई चार्ज नहीं देना, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके लिए। तो ये घबराने की ज़रूरत नहीं है हमको कितना पैसा देना होगा, लेकिन क्या आप भक्ति में सीरियस हैं? अगर आप सीरियस हैं तो आइए हमारे
इस्कॉन मंदिर में, जहाँ आपको शाम को फ्री खिचड़ी प्रसाद भी मिलेगा। फेस्टिवल में इतना टेस्टी प्रसाद मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। नाचिए गाइए, है ना, नाचे गाओ भक्त कर संग करो संकीर्तन, यही चैतन्य महाप्रभु का संदेश है। इसी को लेके इस्कॉन आगे बढ़ रहा है। इस्कॉन हमारी असली जो वैदिक शिक्षाएं हैं, जो कहीं भी नहीं बताई जा रही, सिखाई नहीं जा रही, उसको कैसे फॉलो करें अपने जीवन में आसान तरीके से, हाँ, वो वहाँ पर हमें सिखाया जा रहा है। जिसके कारण आज हम जो गृहस्थ में हैं या हमारे बच्चे भी हैं, वो भी एक और बहुत ही सुख और शांति का जीवन जी पा रहे हैं। और ऐसे हमारे जैसे लाखों लोग भगवान की सेवा भी कर रहे हैं और एक अच्छा हमने संतुलित एक जीवन बिताया है। जो संसार की बाकी जो आजकल जो संसार की चीज़ें हैं, गलत चीज़ें, उनसे बहुत अधिक दूर एक बहुत सुंदर सोसाइटी का निर्माण किया है। तो बिल्कुल ना घबराएं, बिल्कुल ना डरें कि आप गलत जगह जाने वाले हैं, बिल्कुल सही जगह, जो आपने कितने जन्मों के पुण्य अगर आपने प्राप्त किए, तभी आप वहाँ पे जाके किसी प्रोग्राम में कोई प्रोग्राम अटेंड कर पाएंगे, जो गीता का प्रोग्राम होगा, सीखने का। ऐसे मंदिर दर्शन करके आएंगे और वापस आ जाएंगे, उससे कुछ नहीं मिलेगा। मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड कीजिए, हरे कृष्णा टीवी के प्रोग्राम्स अटेंड कीजिए, आपको बहुत कुछ सीखने का अवसर मिलेगा। तो मैं आशा करती हूँ और आपको शुभकामनाएँ भी देती हूँ कि आप अच्छे से भक्ति में आएँ और आगे अपने जीवन का कल्याण करें। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा डीटीएच ऑपरेटर से संपर्क करें, तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666-839-839।